दीनानगर कांग्रेस कमेटी की ओर से पार्टी की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। नवनियुक्त अध्यक्ष परमिंदर सिंह नीटू चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कार्यकर्ताओं द्वारा शहर में आम जनता को आ रही परेशानियों के बारे में विचार विमर्श किया। अपने संबोधन दौरान नवनियुक्त अध्यक्ष नीटू चौहान ने वर्करों को आ रही समस्याओं को जल्द ही हल करने का आश्वासन दिया गया। इस संबंध में जानकारी देते हुए नीटू चौहान ने कहा कि दीनानगर शहर के वर्करों के साथ यह पहली मीटिंग की है जो कांग्रेस पार्टी के मजबूती के लिए हुई है। उन्होंने बताया कि नगर काउंसिल पर भाजपा का कब्जा होने के कारण शहर में कोई भी विकास नहीं हुआ है। दीनानगर में आज तक की सभी कमेटियों में से यह भाजपा की कमेटी सबसे नाकाम कमेटी साबित हुई है। उन्होंने बताया कि शहर में लोगों को आ रही समस्याओं को जल्द ही हल किया जाएगा। आज की मीटिंग का एकदम मुख्य सी भी मेरे प्रधान जदों दा मैनूं प्रधान बनाया गया उहदी पहली मीटिंग सी शहर दी कांग्रेस कमेटी की मजबूती वास्ते मीटिंग की गई सी। ये वक् वर्करां दियां अहुदेदारां दियां सारियां गल्लां सुनिया गई कि शहर मजबूत करने वास्ते की करना चाहिए, जो भी साढ़े वार्ड्स की प्रॉब्लम्स है उन्हां नूं किस तरह हल किया जाए, क्योंकि पिछले 10 साल रही है कि सरकार अकालियां की कमेटी भी उन्हां दी लगभग बीजेपी वाले दी रही है, इस वेले भी उन्हां दी है। उन्हां दी बहुत ज़्यादा समस्या है कमेटी दी जिहड़ियां कि हल नहीं हो रही, उस नूं हल करन वास्ते हुण असीं जतन करांगे। प्रॉब्लम तो अपनी हैगी है, जिस तरह बरसाती नूं बरसात चल रही हैगी है, इहदे नालियां की सफाई जिहड़ी कमेटी करा ही नहीं रही। बड़े बड़े दावे करदी है कमेटी कि असीं उह मशीनां लातियां, सब खोखले दावे हैगे ने। गलियां का बुरा हाल है, कमेटी इहदे वल कोई ध्यान नहीं दे रही। बीजेपी कमेटी जिहड़ी हैगी है एक नकम्मी कमेटी साबित हुई है शहर वास्ते। दीनानगर से पंजाबी सरकर्मियों के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट।